अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। कुछ नज़रात आज शो का आगाज करते हैं अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म एक बार फिर गॉडफादर। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक हो? आपका क्या हाल है भाई जी? सब तो पहले तो मुबारक हो तानू। किस गल दी? सुने अंदर से दुकान भी पा ली है। यूके तो कपड़े बड़े मशहूर हो गए ने। अच्छा, हाँ जी, कारीगर बता दो, यानी कि ऐसे ही कम में आए। मैं बहुत अच्छी जोकी चलाना भाजी, 555 जोकी नहीं होता, जॉकी होता। ना करें कि इन्होंने सिलाई का काम भी किया हुआ है। और क्या नहीं? जी जी किया हुआ है भाई। मैं पिलो कवर 36,000 बढ़ाया एक दिन। हाँ, लेकिन करते आप हेमिंग ही थे। हाँ जी, आगे बात करो। हेमिंगवे के बच्चे? अरे ये जागो है? नहीं, मैं लुका ब्रासी हूँ। लुका ब्रासी कौन है? लुका ब्रासी, बड़ी दफा मैं बता चुका हूँ, गॉडफादर के कैरेक्टर्स में एक लुका ब्रासी भी था। अच्छा जनाब, हम आज मुतारिफ करवाएं आपको गॉडफादर से, आप सब वाकिफ हैं। साथ बैठा है सनी कॉर्लियोन, जो उसका बड़ा बेटा और इंतहाई बददिमाग, हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार। और यही वजह है कि उर्फ आम में जिसे कहते हैं नंबरों में ही मरवा दिया गया, नंबरों में ही मर जाता है बेचारा। और ये बैठा है माइकी, माइकी माइकल कॉर्लियोन ने जो प्ले किया था एल पचीनो ने। जी अच्छा, इसने ऑस्कर नहीं लिया था, लेने से इनकार कर दिया था। हाँ जी, किस वजह से? कैश अल पचीनो था, बबू राणा नहीं था। सर ये तो कैश ले लेते, ये आटा भी ले लेते। ये आस्कर तो मैंने लेना था, स्टार्ट पे मरवा दिया मुझे। बिल्कुल स्टार्ट नहीं था, मेरा ख्याल है कोई फिल्म का घंटा एक। लेकिन तगड़ा बॉस ही मेरा। वो छोड़ दे डैडी, आप भी बस ये बातें ही रह गई आपके पास, और क्या है? अच्छा, इन्हें फिल्म में भी मैंने कुटिया है, वो सीन फिल्म से लगे नहीं है। मेरा एक सवाल है आप जनाब, कि इस सेगमेंट में हम यही फिल्म्स या डिफरेंट फिल्म्स रिपीट क्यों करते हैं? सारी फिल्में रिपीट नहीं होती, सिर्फ वही होती हैं जिनके कैरेक्टर्स में हमने एनालॉजी ड्रॉ कर रखी हो। मसलन ये कैरेक्टर जो है गॉडफादर का, ये पर्सोनिफिकेशन है। अब ये ख्याल मुझे कब आया, जब जस्टिस खोसा ने अपने रिमार्क्स में गॉडफादर का तذکرہ किया था, हालांकि ही डिड नॉट मीन नवाज शरीफ। तो ऐसे ही लिखा था ना कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, और ये बालजाक की बड़ी मशहूर सेइंग है। इससे उन्होंने अपनी जो कमेंट्री है उसका आगाज किया था, तो लोगों ने इसको नवाज शरीफ पे फिक्स कर दिया। हमने करप्शन का, माचोइज्म का आइकॉन जो माफिया है, वो एक कैरेक्टर बना दिया जिसकी जरूरत हर दौर में रहेगी, नवाज शरीफ और नो नवाज शरीफ, हर दौर में ये एक अग्रेसर के तौर पे, एक करप्ट आइटम के तौर पे मौजूद रहेगा। अच्छा मेरी गाल सुन यार, तू मेरे खिलाफ एडा क्यों है भाई? कोई सियासत जो बाहर आके कुछ सवाल पूछो। देखो यार, आपके अब्बा जान ने हाँ जी एक सवाल पूछा है, वो अगर बोल रहे हैं भाई जान तो उन्हें बोलने दे। आपसे कीमा बनाने की रेसिपी पूछ लें, सियासत की बात करेंगे ना, और क्या यार पागल लोग क्यों साथ लेना तुम्हें? मानना नहीं, ये ना कहे वो गुस्से में आ गया ना, तो आपको पता नहीं है उसका? गुस्से का नहीं पता, ये तो चीज ही कोई नहीं उसके आगे। क्या मतलब आपके, क्या कहना चाह रहे कि मैं चीज ही कोई नहीं? ये बदतमीजी करके देखे, तुम भी छोड़ दो यार, तुम भी फजूल बातें शुरू कर रहे हो, तुम्हारी वजह से उधर से हमें टोक आ रही है। दैट भी वही कम बकवास की ना, तो मैं यही बोट आई तुम्हारी। एक मिनट जागो बेटा। हाँ जी, अब वहां बैठे जाके नहीं, बाकी वो देखे ना, इज्जत से कह रहे हैं आप वहां बैठे। सर वैसे गॉडफादर के कैरेक्टर्स के साथ जागो क्यों आए? मैं ये बड़ा अच्छा, देखे ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ये हैरत है कि पूछ कौन रहा है, कमाल है भाई। ये आपके भी खिलाफ है? तो वो यार पता नहीं इनको बहुत इशू नहीं है। पुत्र तू एक बार यूके आ, फिर दसा मैं तेनू क्या करना है आपने। यार बात सुनो पुत्र, मेरे प्लेटलेट्स अजे भी थल्ले ही ने, और काफी थल्ले ने, आवाज भी नीचे रखे अपनी आप। मैं तेरे को क्या, बदमाशी नहीं करनी यार, वो बुजुर्ग हैं उनकी बात तो। क्या बुजुर्ग है सर, मुल्क बेच के खा गए, मौजे कर रहे हैं अब। एडी कोई गल नहीं, सिर्फ मैं बच्चे रोके हुए हैं। तो बच्चों को मत रोके, एक दो खुला छोड़ दे। मैं उन्हें यहाँ कोर्ट लाता ना तो फिर क्या होगा भाई? वो ठंड लगनी ना मैंने जो, और ठंड लगी हो तो मार बहुत ज्यादा लगती है। बारहवें की किडी लंबी लात तो सारे खटे बूट पाए ने, नीली शर्ट, पैड़ी, विग, माठी है ना, दो फिट में तेरी है। आफ्ताब भाई इजाजत नहीं, बैठे बैठे नहीं, मैं जा रहा, तेरी मेहरबानी सर, बैठे ना बेटे, मैं जा रहा, बैठ जाए, मैं कह रहा हूँ यार।
ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਠਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਾਈਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦਾ। ਮਾਈਕੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਛੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਛਛੋਰੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕੱਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੂਡ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ, ਨਾ ਲੜਨੇ ਕੇ ਮੂਡ ਮੇ ਹੈ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਕੇ ਮੂਡ ਮੇ ਹੈ। ਨਾ ਅੰਨੀ ਕੇ ਮੂਡ ਮੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਰੂਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਥਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਅਲਾਓ ਕਰੇ ਤੋ ਜਵਾਬ ਦੂੰ ਮੈਂ। ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ। ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰੈਸ। यार ये अमीरों के चोचले ही होते हैं, मैंने यही पहना, मुझे यही सूट करता है। भाई आपने गुस्से में नहीं आना प्लीज, क्योंकि अगर आप गुस्से में आ गए तो फिर बहुत लितर पड़ेंगे। ठंड जा लितर पहनता तो निशान प्रॉपर आना। अच्छा जी, मैं कुछ बता रहा था, मेरा सवाल बीच में ये डिपेक्ट करते हैं क्राइम को जी, एक क्राइम फैमिली है और ये पॉलिटिकल क्राइम्स कमिट करते हैं, पॉलिटिकल क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट एंड द पीपल। तो पीपल को रिप्रेजेंट जागो कर रहा है इस वक्त, वो बैठा है ना, अगर तपा हुआ बड़ा दुखी, केव बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, अवाम हमारे ऐसे ही हैं बेचारे। असल प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसे क्यों हैं, बिकॉज ऑफ देम क्रिमिनल्स ये हैं। ना ना अवाम साढ़े तेरी तपी हुई है, होने वाले बंदे तपी हुई अवाम, उन पे तो खैर एक हद तक तपी है, आप पर तो कई नस्लें हैं जो तपी हुई हैं। देखा माहौल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, क्या क्या चेंज हो रहा है? देखिये फैसलाबाद वाला जलसा, धूड़ा पुटी है कि नहीं? बड़ी धूड़, कमाल की। वो तो वैसे मानने वाली बात है, मतलब धोबी घाट ग्राउंड ने आज तक 25,000 बंदा नहीं देखा कभी। 5 लाख भाई जी, 25,000 तो उनके नहीं आके है। जिस तरह आप और इसहाक डार साहब फिगर्स में फजिंग करते रहे ना, उसी तरह जलसों में भी आपके रिपोर्टर्स फजिंग कर रहे हैं, आपको कुछ और बताते हैं और आप मेरा ख्याल है ना अखबारें पढ़ते हैं ना टीवी सुनते हैं। एक मिनट यार, मैं सिफराबाद पढ़ गया। एक नहीं, दो सिफरे ज्यादा पढ़ गया। आपकी ये जो आईज कमजोर है ना, इसने बड़ी इंसल्ट करवाई है हमारी। फिगर ठीक बताया करें, वाम का मुंह दिखाना होता है, कहां आपकी आईज कहां रहती है? रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? ना ना कट देना, साढ़े घर का झगड़ा है यार। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। की तेन क्या कर रहा है आपके साथ? प्यो पुत्र से हो जाती गल। मैं अगर बाप के साथ कर सकता हूँ ना, तो कहीं भी कर सकता हूँ मैं। यार तू एक बार इधर आ यार, तुम करो क्या करना है यार, उधर ही रहो, ये देखो मेरे हाथों की तरफ, उधर ही रहो बस। बेचारे की बसात यही है, एक लम्हे में फ्लेयर अप हो जाता है, मार खा के बैठ गया। यार वो एक शरीफ आदमी है, कौन? वो एक गरीब आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक गरीब है ना, तो फिर अपनी औकात रहे ना। ओए औकात की बात नहीं करनी, औकात की बात नहीं करनी। कह रहा तू भी गलत गलत है, ये औकात की बात अब जो कर रहे। नहीं नहीं, क्या हो क्या जाएगा यार? मेरा भरा गुस्से जाएगा, फिर तेन दसांगा की यार। ये आ जाए गुस्से, मैंने क्यों गुस्से में आना, तुम चुप कर जाओ। एक मिनट प्यो दे, नहीं बोलना। की मसला भाई तेरा? मेरे दर्द शुरू हो गए। क्यों पंगा लेते हैं आप? बच्चा ले लगा। इसने आपको किताब में भी मरवाने की कोशिश की है। इन्हें सानू मरवाया है, इन्हें सानू कढ़ाया है। सोच समझ के बोले कर। मैं सोच समझ के बोलता हूँ, प्लीज जा जा जा। तो मसला मुड़े में एक मिनट बाद खड़े हो जाते हैं आप। अल्लाह माफ करे, एडा मैला बंदा मैं जिंदगी च नहीं वेखा। आपको पता ये मैला क्यों है? क्यों? इसके हिस्से का साबुन आप खा गए। वाह 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 वाह। इस फिल्म पे कॉस्ट क्या आई थी? ये फिल्म सस्ती सी बन गई थी, क्योंकि पैरामाउंट पिक्चर्स के पास पैसा खर्चने के लिए था ही कोई नहीं, और उन्हें यकीन था कि पिट जाएगी। $7.5 million खर्चे पर यह फिल्म बनी। लेकिन इसने कमाए पता है कितने? कितने? $287 million। अन्य वाह, हिट हुई, बहुत बिजनेस की था। ऐसी हिट हुई, ऑस्कर्स मिले धड़ाधड़। और इन्होंने इसलिए नहीं लिया कि नेटिव अमेरिकन्स को सपोर्ट देने के लिए, कि अमरीकियों ने बहुत ज्यादती की उनके खिलाफ। ये एक वियर्ड सा कैरेक्टर था, लोग इसके साथ काम करना पसंद नहीं करते थे। ये फिस्ट फाइटिंग करता था, बाकायदा मैन हैंडल करता था। इसने फ्लोर पे फेंटी लगाई हुई है लोगों को। हाँ जी। और आप अंदाजा करें कि ये लिफ्ट ऑपरेटर होता था, कोई इसके अंदर एजुकेशन भी नहीं थी, और इंतहाई हैंडसम गुड लुकिंग। ये मामलात सारे थे।
और सर अल पचिनो ने क्यों रिफ्यूज किया था ऑस्कर लेने? अल पचिनो ने कहा जी मुझे आप एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे क्यों दे रहे हैं भाई, मैं तो मेन कैरेक्टर, मैं तूड़ा च नजर नहीं आता किसी को, विजय अब्बे नु विजय नु, तुसी फिर अब्बे ना सीन नहीं देखे मेरे, मैं खा गया इन्हां नु अब्बे को, हां ओ तेरा सका अब्बा मेनू नहीं खा सकदा मैं ही मेन सी भाई, सब तो पैसे ज्यादा किने लाए ने आपने, आप सबसे बड़े आर्टिस्ट आप थे। फ्लैटी में बड़े झगड़े हुए हमारे। हाँ जी फ्लैटीज में कोई खास वाकया को बात? ओ फ्लैटी दे बाहर चने वाला नहीं रेडी थी जेड़ा वेचदा है उसके साथ लड़ पड़ा, ये लड़ पिया ओदे नाल, उन्हें फिर सन सारे नु ओ बनया उते भाई मेरा अपना माइंड है, मैंने उसको कहा है भाई मीठे चावलों पे चने डाल दो, उसका काम है डाल दे, आगे से बहस कर रहा है तो झगड़ा ही होगा। कैसा है मैं क्या किस बात पे झगड़ा है? ये चार प्याले खाता है रोज मीठे चावल चने, इन्हें इन्ने डॉलर खर्चे, वो पाजी रेडी वाले ने बापडा हाउस खरीद लिया। अच्छा जब ये आए थे उस वक्त बापडा हाउस बनना शुरू हुआ होगा? जिन्ना बनया सी ना उन्ना खरीद लिया सी। इसने अपने बहनोई को इतना पीटा एक सीन में, सनी कॉर्लियोनी ने, सनी ने ये जो दरमियान में बैठा है, चार दिन में वो सीन पिक्चराइज हुआ और उसमें 700 बंदों ने शिरकत की। क्यों? स्ट्रीट में मारा ना तो बहुत से लोग खेल रहे थे, कोई बैठे हुए थे, व्यूअर्स थे। नहीं वो बदतमीजी करता था ऑफ कैमरा, मैंने ऑन कैमरा फेंकी है फिर। इतना मरियल था कि तुमसे भी मार खाता रहा तो खानी पड़ती है मार, जब बदतमीजी करेंगे तो मार की उम्मीद रखनी पड़ेगी। आराम से बात करनी है, तेरा तो मसला है भाई यार, हमारी सिस्टर का मामला चल रहा है, आप चुप रहे भाई, उनकी सिस्टर के मामला चल रहे हैं, अपनी सिस्टर ने तलाक दुआ के ना ब्याह करवा। सर और कोई इस फिल्म की खास बात? इस फिल्म की बेशुमार खास बातें हैं, ये तो फिल्म रोमांस है, फिल्म बीनों का, ये किताब रोमांस है बुक रीडर्स का। एक मिनट आ गया तो बहन का फोन है। हेलो हाँ पुत्र की हाल है? मुबारक होवे फैसलाबाद वाले जलसे दी। हाँ जी मैं तेरे चाचे को लाया बैठा। हाँ जरा फूफिया तरह बहस नहीं करता समझ तो गई होगी। अच्छा ये की इतने मतलब लोग गल पे करते हैं घट लोग सन, 25,000 सी या 25 लाख सी? सुनाओ 25,000 सी। उतर इन्ने घट बंदे राणा उ बैठा सी, पी टी आई वाले सद लेना सी, अखीर साढ़े ली आना उन्हें। हाँ चाचा आया ही है उत्थे? नहीं चाचा नहीं गया था, मुझसे पूछ ले। अच्छा पुत्र चाचे नाल बना कर रखो तो पितरेर नाल भी। ओ किसी ने किसी के साथ नहीं बनानी, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। पुत्र मैं परसों फोन कर सा तेलू है। उधर पार्टी के बंदे बैठे ने, पार्टी के उधर तो आए नहीं जलसे में, उधर कहां से आ गए? ठीक कह रहा है वो, पार्टी के लोग किधर थे उस वक्त? हां सब गायब हो गए। पता क्यों है? आप जब तक यहां नहीं ना आएंगे ये जुम्बिश नहीं होगी इनमें, जमीन जुम्बिश ना जुम्बिश गुल मोहम्मद। ओ ए नहीं गल वास्ते मैं कुत कुलतुल बकंदुन के दानिशवरों का अहले इल्मो अक्ल का तरीका है, एक बात करता है दूसरा उसको उठाता है। अच्छा जी आपको इसमें जैसे आप नहीं दूसर करते अपनी, अजी अजी। ये लोएस्ट है ये हाईएस्ट है, वो फर्क ये है। यह जो सारा दिन एटमा करके ना रात को 100 रुपया कमा के घर जाता है। अच्छा हलाल का 100 रुपया हराम के लाख रुपए से। वाह वाह जी वाह क्या बात है, यार अल्लाह की कसम रिश्ते तड़वाने वाली। नाई की दुकान बंद भी हो बाहर जो बंदा नहीं बैठा होता कहता भाई ठहर के चल। अच्छा यार को और बात करें, आप बकबक ना करें और बात कर लो, आपने माइंड नहीं करना। मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप हूँ, आप मेरी वजह से खामोश रहिए, बुर्दबारी का मुजारा कीजिए। अब अगर इनकी आवाज नहीं, ये चीपस्टर्स हैं, छोड़ें छोड़ें प्लीज। ये जो बंदा बुड्ढी को मार खा के नौकरी छोड़ देता था यार, मैं तुम्हें बता ही दूं कि मैं करता क्या। एक मिनट रुको बाबा, एक इतना मसला है ना भाई, और ध्यान से पापा कभी नजर आते हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक दिनों रात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज और अंताक्षरी हम इसमें करते हैं कंडक्ट करेंगी रूबा। एक बार फिर सारे रूल्स बताती चलूं कि पाकिस्तानी गाने गाए जाएंगे, सेकंड लास्ट अल्फाबेट से अगला गाना गाया जाएगा जो कि ऑडियंस पे स्ट्रिक्टली रूल अप्लाई नहीं होता, और उसके बाद मुकाबला होगा हमारी टीम्स के दरमियान, टीम ए और टीम बी। तो सबसे पहले आप। मैं होश में था
तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू से उतर गया कैसे, मैं होश में था होश में था तो इतना लंगर कर गया जी नेक्स्ट फर्स्ट रो शोला था जल बुझा हूँ, शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाए मुझे न दो, शोला था जल बुझा हूँ। एक्टरी का मालक ये जी गाँव होता वो पता मैं पैसे देने तनखा देनी अरे वाह वाह कर रहे वाह जी वाह क्या कर सजाए मुझे ना दो दाल से टीम ए दिल दिया लगिया जाने ना मेरा प्यार पछाड़े ना वाह 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 कमला नी मेरा ढोलन मारी कमला नी मेरा ढोलन मारी दिल दिया लगिया जाने ना सूद राणा क्या याद आई है उनकी क्या बात है सर जाने ना नून ना जा ना जा ना जा ना मेरे ढोल जानिया कनन में तेरे तरले पानिया ना जा ना जा मेरा दिल चाहता है मैं इसे मुश्किलों में डालता रहूं ये बताओ ये क्या होने आओने ये क्या चीज बजती है बब्बू तुम लोगों को तो पता होना चाहिए ये स्टार नहीं है स्टार नहीं तानपुरा हाँ जी क्या कहें क्या निकला जी लास्ट हमारी तरफ अडेल बेटा मेरा 400 निकला है दे दे यार उस बंदगी देखो 400 ना जा पे एंड किया आपने ना जा ना जा ना जा जीम जीम जब तक मेरे साविच साने बोल के दा दूं किसका काना मेरा ईमान है गुलाम अब्बास दुनिया बदले तू ना बदली ते तेरा एहसान रवेगा प्यारे ईमान रवेगा नागियर के बुजुर्ग कुवार ना सारी कुवाली इशारे च करदे हुंदे रहेगा गाफ गाएगी दुनिया गीत मेरे सुरीले रंग मेरे निराले रंग मेरे मेरे अरमानों से गाएगी दुनिया गीत मेरे गीत मेरे रे रे मझिम रे मझिम पड़े पुआ मेरा मेरा नित का प्यार रिम झिम रिम झिम पड़े पुआ तेरा मेरा नित का प्यार फिर से त्यों जी त्यों प्यार अलिफ ओ जाओ तैनू अखियां उड़ीक दिया बाल बाल बचा है जी लास्ट टाइम भी हमारे साथ यही हुआ था कि ये अखियां से शुरू होता है गाना आ जा बीच में है इससे स्टार्ट नहीं होता अच्छा। तुम शुक्र करो कि ये वहां से भी अलिफ शुरू कर रहा है अखियां उड़ीक दिया दिल बजा मार दा आ जा परदेसिया वासा ही प्यार दा आ जा तैनू अखियां उड़ीक दिया 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 अख लड़ी बदो बदी तररम पम पम मौका मिले कदी कदी तररम पम पम कल नहीं किसे ने देखी मजा नहीं है अजदा
दाल दिल का ना सर ये हार गए सर ये हार गए सर ये इंडियन गाना सर ये हार गए इंडियन हार गए जी हार गए आप ये बात सर हार गए हार गए हार गए सर हार गए पहला गाना आपने बताया था चले एक नंबर उनका कट गया दागे दिल ये शुरू किया था वो तो मशवरा कर रहा था उस खोते के साथ इस पे लानत है बेशुमार भाई ने हमारे लिए कख नहीं किया क्या बात है गाना उस्ताद मोहतरम का गाते हैं केड़ा दिल दिया भूल हुए दिल के दिल ही मेरे ही हमने भी सोच लिया तू नहीं और सही दिल दिया भूल हुई पाम 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 अच्छा इन बेचारों की सिर्फ पांपा पाम ठीक है हर मामला इनका कमजोर तुझे इस तरह करो मंसर में मेरी टीम जो दे दे उधर तो बेड़ा उठाया हुआ उधर भी कख नहीं कर रहे हैं जी वाओ से कोई गाना ओ भूली दास ओए 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 हो सर देखो हेलो भूली दास नहीं जी बराबर आपको ब्रीदर मिल गया ओ मेरे सामने भाई नंबर तो पे गया मेरे बने बैठे हैं पेंडोगा ये मिश्रा और ये लेकिन ये देखें कि नागी साहब का हर गाना बिल्कुल ऐसे जैसे कुंदन लाल सैगल गा रहा है अच्छा जुतियां वाले कारखाने जी गा रहा है और वो भी दमे दी हालत ये ये हाँ जी ये यूं जिंदगी की रात हाँ जी वाह टकरा गया कोई यूं जिंदगी की रात एक रोशनी अंधेरों में दिखला गया कोई हूँ जिंदगी की राह में बहुत खूब में राह में ये है ये आए अच्छा जी अब चूंकि ऑलमोस्ट टाई पड़ी हुई है तो अब फिर ये है कि जो गाना आप गाएंगे मैं उसका हुदूद अरबा आपसे पूछूंगा अच्छा जी तो सोच समझ के गाइएगा ये से गाना गाना है ये वादियां ये पर्वतों की शहजादियां तक 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 पूछती है कब बनेगी तू दुल्हन मैं कहूं जब आएंगे मेरे सजन चला भिया नागी साहब देखिए कंपोजर आप बता दें फिल्म का नाम मैं बता देता हूँ फिल्म का नाम दोस्ती है कंपोजर है रमीद है सबको पता है इसलिए तो गाया था हमने हम बताएं नागी को सब पता है इधर रंगीले को बहुत पता है लेकिन कंपोजर्स का नहीं पता रंगीले को जो गाना गाए अब तुम देखना जरा तमाशा जी जी आइए ये दुनिया क्या है एक मैखाना है किसके हाथ में जाम नहीं कौन यहाँ बदनाम नहीं अरे कौन नहीं दीवाना हाँ जी बताइए फिल्म का नाम बताइए दसो नहीं पता ये मिस्टर बुद्धू का गाना है बुद्धू जी आप विनर्स हैं ये हम पा हम पा रे हम पा हो हम पा हम पा रे हम पा हो हम पा हम पा रे हम पा हो चले जी तेरा बेड़ा ही गर्क होना है हम पा हम पा रे हम पा हो कुछ दिन नजर तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ नहीं वेलकम बैक खुदीन हजरात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद इंडियन फनकारों ने आपकी मुलाकात करवाते हैं एस आर के साथ अकमड़ी के साथ और अमिताभ बच्चन के साथ आए हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे टू मी चंद साहब हैप्पी बिलेटेड बर्थडे आपको बहुत 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 धन्यवाद क्या ये माहौल बनता है आफ्ताब जी नहीं 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 आपके यहाँ शोक की कैफियत है मेरे जिगर का टुकड़ा पता नहीं किस हाल में और आप यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े कर किंग खान आपने भी को थप्पड़ दबका रखा होता तो आज ये डेज से ना गुजरते आप पहले तो मैं किंग खान नहीं मैं किंग खान और दूसरी बात ये मेरे बेटे को फंसाया गया है इन्हें आप ही मुंडे ना हिट कराने वास्ते
गेम जी चलाती मुंडा हिट हो गया रातों रात। वो शाहरुख खान का बेटा है, तुम्हारा नहीं है। उसे किसी दो नंबरी की जरूरत नहीं है, एक बड़ा तगड़ा टैग लगा हुआ। लेकिन वो अगर अच्छा एक्टर ना हुआ, या छोड़े अच्छा या बुरा एक्टर, उसकी किस्मत में अगर ना लिखी हुई ना ग्लोरी, पीक अचीवमेंट, तो वो बेचारा उड़कर भी दिखा दे। ये क्या छोटे आर्टिस्ट है जी। देखें, इनका बेटा वहीं का वहीं है। तुम्हारा बेटा मैं होना चाहिए था सी। अबू मैं नालायक बच्चे का तो वैसे ही टैटवा दबा देता। तेरा की दबाया सी। वो भी तो नालायक ही है। मेरे बेटे के खिलाफ साजिशें हुई है जी। वो कह रहे हैं मेरे बेटे के खिलाफ हुई है। इस गलो सी ठीक है भाजी, साडा बेटा सड़ तो वड्डी खाच। आहो ने एक दिन मोहल्ले दे विच पंप ला लिया, पहले उन्होंने करंट पिया, उन्होंने कहा तौबा। जब तक मेरे सालगिरह की खुशियां नहीं मनाई जाती यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। नहीं जश्न मनाएं आप सर प्लीज। ये बात ए मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाले सी, नाजुक सी शर्मेले सी, मासूम सी भोले भाले सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। एंजॉय नहीं कर रहा? नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सोहेल राणा को एंजॉय कर रहा हूँ, आपको नहीं कर रहा। एक सूरत मत वाले से शर्मेले से मासूम से भोले भाले करके सच्चे करके ये है। चक्कर क्यों कटना होता पहले मुझे ये दसो। अरे इतने अपने आप को टैलेंटेड समझते हो तो सुनाओ कोई गाना। मैं सुनाइए नैसन भट्टी साहब तो आवाज में कहा कंपनी है और नैसन भट्टी क्या कहने उन्होंने गाना पाजी मैं तामल ले गया उते वो हिट होया जरा उन्होंने वो मजा लिया मैं नजर आई सुनाइए सुनाइए होली माड़ी नटियां की गाना पाजी चन मखना। व्हाट अ फिल्म। इस फिल्म का एक एक गाना कमाल। होली माड़ी नटियां होली माड़ी नटियां किनाड़े उल्ली किनाड़ी बुट्टी किनाड़ी खुड़िया किनाड़े इल्ली नाड़ी बुट्टी किनाड़ी खुड़िया माड़ी माड़ी हुई 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 माड़ी हुई 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 बाबा चिश्ती अकंबड़ी कभी सैड सॉन्ग नहीं गाया तुमने? मैं गाया सी मलकू दा एक बार मैनू। कौन सा? चिंता दे नाल मैया वही वाला ना। हां जी चलने तो मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। इली माड़ी ओ ना इली माड़ी कोई ला भी तो सही। उसका बेटा बेचारा क्राइसिस में है। ते बेटे तो पैसे चंगे ने। इली माड़ी नाड़ी ओड़ी 5000 नाड़ी ओए लेले मारी नाड़ी ओरी ओ लावी ते सही होने। ओके ओके वेट 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 अरे नारे मारी ओए जिना दे ते दंद भी पांदिया गन्या इदी नारी ना मारी चल तू ही दे दे इस वक्त मैं हूं और मेरे सामने गम का एक गहरा समंदर है। ठीक है डुबने तो पहले मैंने 5000 दे दे। नहीं यार 5000 तुम क्यों मांग रहे हो? पैसे 1,00,000 मांगो। क्यों ये मेरा साला लगता है? यार तू जो मर्जी कह भाई 5 दे मैं तेरी मेहरबानी। क्या कर रहे हैं 5 तो? मैं रस्ते च रोटी खानी है होटल दे पैसे देने। क्या सनाई होटल रह रहे? नहीं नहीं भाजी 200 रुपया सराह दा। सराह में रह रहे हो? लैडी मजेदार नींद आउंदी साइडा ते खराटे वज रहे होंदे ने। मेरा खराटा इंदा हुंदा ना मैनूं हर सराह चो कढ दिंदे हो। खराटों की वजह से? नहीं नहीं चोरी की वजह से। अजी मेरे ते इल्जाम है कि मैं चोरियां करना। चोर करते भी हो? मैनूं पता नहीं चलदा मेरी आदत है कि सुत्या पिया एवें किसे दे खीसे च हाथ पाता किसे दा जूस पी लिया। मैनूं क्रैप्टोमीनिया हैगा। ओहो और सराह दे विच एड्डी सस्ती चोरी हुंदी यकीन कर मैं तैनूं दस नहीं सकदा। ਐਵੇਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਅੱਧੀ ਸ਼ਜ਼ਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਧੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕੇਲਾ ਔਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਐਡੀ ਫੁੱਲੀ। ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਲਵਾਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਖੱਚ। ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵੇਖੀ ਐਡੀ ਫੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮਾਲੋ ਮਾਲ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੌਵੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਵੇ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾਲ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਓਏ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਨੁਕਦਾ ਕੱਢਿਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਐਂ ਮਲਮਲ 'ਚ ਲਵੇਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਐਂ ਮਸਾਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕੜਾਮ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਪਕੌੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ 10 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 15 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਫਿਰ ਪਕੌੜਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ 45 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਪਕੌੜਾ ਖਾਧਾ, ਇੰਜ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਟਾਪਾਂ ਟਾਪਾਂ, ਅਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੇਬ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ, ਜੈਕ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਜੈਕ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਸਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਅ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੇਬ ਕੱਟੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਫਾ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮੋਸੀ ਛੋਟੀ ਬੰਗਾਲੀ ਸਮੋਸਾ। ਫਿਰ ਤੁਮਨੇ ਖਾਇਆ? ਕਟਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਮ ਘੁਟਨੇ ਸੇ ਮਰ ਚੁਕਾ ਥਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਆ, ਨੁਕਤਾ ਕਿਆ, ਸਫਾ ਕਿਆ। ਅਜੇ ਯਾਰ ਛੋੜੇ, ਆਪ ਬਤਾਏ ਆਪਕਾ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਭੁੱਖਾ ਫੱਕ ਤਾਰਕ ਬਿਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੋਲਾਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿੱਠੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆਈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਮੰਗੀ 7 ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਸ਼ਾ ਕਾ ਨਹੀਂ। ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆਏ ਕੀ, ਆਪ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਧੂਪ ਛਾਂ ਸਖਤੀ ਉਸਕੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਜ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੁਆ, ਆਪਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।